पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अचानक मोहम्मद आमिर की याद आ गई। सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए मोहम्मद आमिर को अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुबई बुला लिया। नाज़रीन, अगर आप लोग भी मोहम्मद आमिर के फ़ैन हैं और आप भी चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर की वापसी हो, तो इस हवाले से अब पीसीबी ने बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब तक पाकिस्तान टीम ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार खेल पेश किया, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई कर चुकी है। तो यहां पर पाकिस्तान टीम को अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ ही मैदान में उतरना चाहिए। तो बेस्ट प्लेइंग 11 के लिए मोहम्मद आमिर का टीम में हिस्सा होना इंतहाई जरूरी है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आया कि पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए दुबई बुलाया जाए। तो यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खबर की मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं की। जो अंदरूनी खबरें यहां पर सामने आ रही हैं, जराए से जो हमें मसूल हुआ है उसके मुताबिक मोहम्मद आमिर सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान की टीम पहुंची तो मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, आप लोगों को क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर को सेमीफाइनल में और फाइनल में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लगा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।